जय हिंद साथियों, आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। और आज हम परसेंटेज के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब आज हम जानेंगे कहा कि 300 का 15% कितना होगा और 50% का 20% कितना होगा। और यहाँ पर कुछ सवाल है तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। आप जानते हैं देखिए परसेंटेज को, जब हम परसेंटेज को यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रतिशत, यानी प्रतिशत को जब आप प्रतिशत को किस में चेंज करते हैं, भिन्न को। कुछ इंपॉर्टेंट चीज जान लेते हैं। जब हम प्रतिशत को भिन्न में चेंज करते हैं तो हम क्या कहते हैं, 100 से भाग देते हैं। जब हम प्रतिशत को, यानी प्रतिशत का जो चिन्ह होता है आपका यही बेसिकली क्या होता है, प्रतिशत का चिन्ह होता है। जब हम प्रतिशत को यानी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलते हैं तो 100 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और जब भिन्न को हम परसेंटेज में बदलते हैं, यानी भिन्न कोई फ्रैक्शन है यानी भिन्न में है और उसे हम प्रतिशत में कहते हैं, तो 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपको याद रखना है। चलिए आप सॉल्व करते हैं। देखो दिया आपका 300 का 15% कितना होगा। जब ये आप देखो दिया है 300 का, काम मतलब आपका होता है गुणा और 15%, यानी यहाँ पे लिख देते हैं 300 का क्या किया है, 300 का दिया आपका कितना 15%। जब ये आप जानते हैं जब 300 का आप लिखे गया क्या 300 का मतलब आपका होता है गुणा आप 15%। जब परसेंटेज हटाते हैं तो 100 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। यानी आपको बेसिकली याद रखना है, जब परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो हटाएंगे, हो गया। आपको याद रखना है 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, आपका कितना होगा 15 कितना होगा 45, कितना होगा आपका 15 45, आपका यही हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए इसी प्रकार हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि कह रहा है कि 50% और 20% निकाले, यानी निकाले तो कितना होगा। आपको बेसिकली इसे क्या करना है, 50%। आप जानते कह रहा है कि 50% आपका दिया 50% का, आपका दिया 20% का। यानी आप देखो जब परसेंटेज हटाते हैं, यानी आपको परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आपको क्या करेंगे ना, हटाएंगे। अब का मतलब आपका होता है गुणा अब 20 अब बढ़ते नीचे आपका होगा परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो सटाएंगे या बढ़ाएंगे, कुछ कर दो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लेते हैं, हो गया। आप क्या करते हैं, यहाँ देखो इसे काट लेते हैं, कितने में कटेंगे, यहाँ 5 काटते हैं, 5 × 2 = 10 यानी 20 में यानी कितना होगा 1/10, यानी कितना होगा 1/10 आपका हो जाएगा क्या करेक्ट आंसर, यानी 1/10 यानी 10 में 1 भाग, हो गया। इसी प्रकार हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो आपका नेक्स्ट प्रश्न दिया है कह रहा है कि 400 का 20% और का 40% निकालें, कितना होगा। तो ये बहुत ही आसान है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि 400 का क्या करोगे, 400 का मतलब होता है आपका गुणा 20% बताऊंगा, 20% हटाएंगे नीचे 2 जीरो का करेंगे लगाएंगे, हो गया। आपका यहाँ पर भी है तो क्या रखोगे आप गुणा और 40 और आपका नीचे क्या होगा 100। आप क्या करते हैं यहाँ पर कैंसिल कर लेते हैं, 2 जीरो से आपका 2 जीरो कैंसिल और 1 जीरो से 1 जीरो और 1 जीरो से 1 जीरो गुणा करो, 4 × 2 कितना होगा आपका 8 और 8 × 4 कितना होगा आपका 32, यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, आंसर इसका होगा राइट 32 होगा, याद रखो। उसी पर आपका नेक्स्ट प्रश्न दिया कर 60 का कितना प्रतिशत बारे है। तो ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करोगे, तो चलिए इसे मिटा देते हैं, उसके बाद हम बताते हैं। तो ये कह रहा है 60 का कितना प्रतिशत आपका भार है। तो मान लेता है आप मान लेते हैं माना लेट कर लेते हैं यानी x परसेंट का है, यानी मान लेते हैं x परसेंट, हमें संख्या नहीं पता है, तो लिखोगे 60 का मतलब आपका होता है क्या गुणा और कितने का मान है, तो x परसेंट का बराबर कितना दिया है 12, हो गया। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका होगा 60 गुणे x बटे आप परसेंटेज हटाएंगे नीचे आपका क्या होगा, यानी 100 बराबर कितना होगा 12, काट लेते हैं 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, हो गया। इसे भी हम काट सकते हैं 6 × 6 = 12, हो गया। जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे यानी बचा आपका x बटे 10 = 2, यानी x का मान कितना होगा, तो कहोगे सर 20% कितना होगा, यानी 20% का मान है आपका कितना 12। आप अगर आप 60 का आपको दिखा देते हैं, अगर 60 का आप कितना निकालते हैं 20% तो आपका 12 आएगा आंसर, दिखा भी देते हैं। अगर 60 का अगर आप निकालोगे तो आपको होगा 20/100, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल दोनों कट जाएगा, यानी कितना होगा 12, तो आप देख सकते हैं। तो ऐसे सवालों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना।